नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज शाम की 10 महत्वपूर्ण खबरों को, जिसमें आप जानेंगे पंचायत चुनाव से ताजा अपडेट, सीएम योगी, अखिलेश और मायावती की महत्वपूर्ण बयानबाजी को, साथ ही नजर डालेंगे यूपी के महत्वपूर्ण योजनाओं तथा रोजगारों पर, और खबर के अंत में आपको मिलेगा कोविड-19 के ताजा अपडेट। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ ही न्यूज पसंद आता है तो लाइक करें। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आइए डालते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर एक नजर। इस बार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पड़ेंगे वोट। पहली बार होगा 11 घंटे का मतदान। जी हां, इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान 11 घंटे का होगा। ऐसा पहली बार है जब निर्वाचन आयोग ने मतदान करने के लिए इतना समय दिया है। इस बार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे तक जो लोग मतदान की लाइन में लग जाएंगे, वो अपना वोट डालकर ही जाएंगे, चाहे रात क्यों ना हो जाए। कोरोना के संकट को देखते हुए आयोग ने ऐसी व्यवस्था दी गई है। जी हां, पहले हुए चुनाव में मतदान का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहता था, लेकिन इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने ज़्यादा समय दिया है। मतदान के समय का निर्धारण करते समय अफसरों को अंदाजा था कि कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, और अब वही हालात है। वही हिसाब से प्रशासन ने तैयारी कर ली है, कोरोना का संक्रमण बचाते हुए मतदान कराया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव 15 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। जान लीजिए जरूरी बातें। जी हां, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इसे लेकर सभी जिला प्रशासन में तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में इस बात का ख्याल रखा जाना है कि लोगों को मतदान के लिए आने जाने में कोई परेशानी ना हो। अगर कोई गांव में जाकर मतदान करना चाहता है तो वह अपने लिए जाने का साधन की तलाश कर उससे जा सकेगा, और उसके वाहक को कहीं रोका टोका नहीं जाएगा। लेकिन यदि कोई किसी प्रत्याशी के पक्ष में बार बार मतदाताओं को लाएगा ले जाएगा तो उसके वाहन को सीज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उस वाहन मालिक पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मतदान के पहले चरण में 15 अप्रैल को, दूसरे चरण में 19, तीसरे चरण में 26 और चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी चरणों के सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं मतगणना 2 मई को होगी। यूपी पंचायत चुनाव में आज कुछ जिलों में होगा नामांकन। जानिए बीजेपी ने किसे निकाला बाहर। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल पूरे उफान पर है। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज से 20 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं ऐसे में कुछ पार्टियों में बगावत भी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं यूपी पंचायत चुनाव की लेटेस्ट अपडेट। जी हां, बात करें भाजपा ने पार्टी से किसको निकालें। वहीं पंचायत चुनाव में बगावत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की चित्रकूट इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जिला मंत्री मुन्नालाल प्रजापति, पिछड़ा मोर्चा के जिला संयोजक मौजीलाल पाल, मंडल उपाध्यक्ष मनोज द्विवेदी, सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक गौरी शंकर सोनी, मंडल उपाध्यक्ष अरुण सिंह बघेल, मंडल महामंत्री राजेश द्विवेदी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ज्योत्सना वर्मा, सेक्टर प्रभारी अजय मिश्र, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल किशोर मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी पुष्पा मिश्रा, अभिषेक निषाद, विनीत द्विवेदी, तेजी लाल वर्मा, इंद्रपाल कोल, नथु कोल, अरविंद द्विवेदी को, अतुल द्विवेदी, मंडल मंत्री रोहित मिश्रा, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप शुक्ला आदि को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री योगी बोले, खुद को कोरोना से बचाते हुए जनता को बचाने में जुटे मंत्री। जी हां, सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में समाज के हर वर्ग, हर तबके का सहयोग आवश्यक है। बेहतर प्रबंधन और व्यापक टीकाकरण के माध्यम से एक बार फिर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को मजबूती के साथ जीतेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को खुद को बचाते हुए मंत्री जनता को इससे बचाने के लिए जुटे। मंत्री अपना प्रभार वाले जिलों व विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना को नियंत्रित करने की कार्य योजना बनाते हुए जहां तक संभव हो विभागीय कार्य और उसकी समीक्षा वर्चुअल माध्यम से करें।
वहीं नवरात्र और रमजान के लिए तैयारी, मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, सुरक्षा के साथ महामारी से बचाव पर ध्यान दे। जी हां, मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का धार्मिक स्थलों में पालन कराए जाने के लिए भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नवरात्र व रमजान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को स्वयं की सुरक्षा व बचाव के लिए जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि धर्मस्थलों में सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क अनिवार्य किया जाए, साथ में कोरोना के प्रति जागरूकता और कड़ाई से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए भी कहा जाए। वहीं लोगों का सवाल, यूपी में कब लगेगा लॉकडाउन पर? सीएम योगी बोले, भ्रम में न रहें, न होगी तालाबंदी, न ही लोगों को मरने देंगे। अफसरों को चेताया, बेड की शिकायत न मिले। जी हां, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड 19 की टीम 11 के साथ मीटिंग के दौरान ये स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सीएम ने अफसरों को चेताते हुए कहा कि न तो तालाबंदी करेंगे, न ही हम जनता को मरने देंगे। कहा कि बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों का टेक ओवर करें। योगी ने जिलों में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। अखिलेश यादव ने कराई कोरोना जांच, हल्का बुखार महसूस कर रहे थे, योगी पर कसा तंज, पूछा स्टार प्रचारक कहाँ है। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से हल्का बुखार महसूस कर रहे थे। मंगलवार को उन्होंने कोरोना की जांच करवाई। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सैंपल लेने की तस्वीर ट्विटर पर डाली और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से जो हाहाकार मचा है, उसके लिए भाजपा सरकार को जवाब देना होगा कि उसने कोरोना पर नियंत्रण पाने का झूठा ढिंढोरा क्यों पीटा। जी हां, टीका, टेस्ट, डॉक्टर, बेड, एम्बुलेंस की कमी, टेस्ट रिपोर्ट में देरी व दवाई की कालाबाजारी पर भाजपा सरकार चुप क्यों है? उन्होंने पूछा कि स्टार प्रचारक कहां है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जो हाहाकार मचा है, उसके लिए भाजपा सरकार को जवाब देना होगा कि उसने कोरोना पर नियंत्रण पाने का झूठा ढिंढोरा क्यों पीटा। ममता बनर्जी ही नहीं, अमित शाह, योगी और मायावती पर भी चुनाव आयोग ने लगाई थी रोक, जाने तब क्या था मामला। जी हां, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे और बसपा सुप्रीमो मायावती पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगी थी। चुनाव आयोग ने भाषणों में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए यह कार्रवाई की थी। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच चुनाव आयोग की ओर से ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार शाम को इसकी घोषणा की। यह रोक सोमवार रात 8 बजे से शुरू है। चुनाव आयोग के इस फैसले से नाराज ममता बनर्जी आज कोलकाता में धरना देगी। चुनाव आयोग की ओर नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने का कोई पहला मामला नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से कई नेताओं के प्रचार पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यूपी के किसानों के खाते में नहीं आए 8वीं किस्त के 2000 रुपए, तो यहां करें शिकायत। जी हां, प्रधानमंत्री किसान योजना व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों किसानों के खाते में अगर 8वीं किस्त के 2000 रुपए नहीं आए हैं तो वे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके यह भी पता चल जाएगा कि आपके खाते में पैसा किस वजह से ट्रांसफर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2,16,67,000 किसानों के खाते में केंद्र सरकार 2000 रुपए ट्रांसफर करती है और इस बार किसानों के खाते में 8वीं किस्त जानी थी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर पात्र किसानों को 2,000 रुपए की बराबर किस्तों में साल भर में 6,000 रुपए देती है। यह पैसा ऐसा समय दिया जाता है जब रबी, खरीफ और जायद की फसलों में कृषि निवेश के लिए किसानों का इसकी बेहद जरूरत होती है। जी हां, आपको टोल फ्री नंबर के बारे में बता दें, यह नंबर 011-233-81092 है। आइए डालते हैं आज के आखिरी खबर पर, कोरोना अपडेट पर एक नज़र। देश में कोरोना के 12 लाख से अधिक एक्टिव केस, जाने राज्यों के हालात। जी हां, अमेरिका के बाद भारत दुनिया में कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित दूसरा देश बन गया है। भारत के पिछले कुछ दिनों से लगातार 1.5 लाख से अधिक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या
12 लाख के पार पहुंच गई है। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां नए मामलों में इजाफा हो रहा है तो वहीं मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार 1.5 लाख से अधिक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।